अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं ग्रीन्स फंक्शन, और इससे पहले मैं आपको ग्रीन्स फंक्शन की फोर एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये लेंथ एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल्स से थोड़ी सी डिफरेंट, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब कि इसके बाकी स्टेप्स वही हैं, लेकिन इसका स्टेप 1 जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जितने भी मैं आपको ग्रीन्स फंक्शन की एग्जांपल्स करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और अगर आप ये एग्जांपल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप किसी भी किस्म के ग्रीन्स फंक्शन के एग्जांपल को सॉल्व कर सकेंगे। इसके अंदर हमें जो गिवन है वो ये वाला क्वेश्चन है, उसके साथ हमें बाउंड्री कंडीशन जो है वो वाई प्लस माइनस वन आर फाइनाइट, ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले एक फाइनाइट होती थी, दूसरी नहीं होती थी, इस दफ़ा इन्होंने दोनों दी हैं। अब जो सबसे पहले हमें स्टेप 1 होता है हमारा, हमने देखा होता है सिंपल है कि मॉडिफाइड है। अब सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम लोग लैम्डा को करते हैं 0। अब इसके अंदर हम करेंगे लैम्डा को 0। अब जो हमें गिवन क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पर डबल प्राइम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकेंड वैसे ही। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो ये वाला बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेके देखें ये वैसे ही आ जाएगा, और लैम्डा 0 जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ख़त्म ही हो जाएगी। उसके बाद हमने करनी है सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर। इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन, इसको हमने याद रखना है, लेट टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, ये आएंगे, और जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने वो जो पीछे डेरिवेटिव लिया हमने उसको इन्वर्स कर लेना, क्योंकि अब हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब असल में हमने करना क्या, ये काम हम कर क्यों रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी फॉर्म बनी है इसके अंदर हमने y डबल डेरिवेटिव y डैश की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करके फर्दर सॉल्व करना। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें y का डेरिवेटिव चाहिए, y डैश का dy वाई ओवर डी एक्स होगा, लेकिन जो हमने फंक्शन मतलब कि जो हमें लेट किया है, ये जो सब्स्टिट्यूशन लेट किया वो इन फॉर्म्स ऑफ t है, इन फॉर्म्स ऑफ t है, तो हम इसका इसकी वैल्यूज जो हमने इसके डेरिवेटिव्स लिए हैं टी के वो हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। यहाँ पे वाई डेरिवेटिव जो होता है उसका हम डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद चेन रूल अप्लाई करेंगे डी टी, वो आपको आता ही होगा। उसके बाद डी वाई ओवर डी टी ये वाली वैल्यू ऐसे ही रह जाएगी, और डी टी ओवर डी एक्स जो है उसकी वैल्यू हमने जो पीछे निकाली है 2/1 माइनस एक्स पे वो वहाँ पर यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने वाला स्टेप ये है कि इसके अंदर ये डी ओवर डी एक्स का ऑपरेटर ये हमारा आगे यूज़ होगा, इस वजह से हमने इसका ऑपरेटर लिया। वो कैसे, ये जो है इसके अंदर से यहाँ से वाई को हम निकाल दें, अगर जैसे कि डेरिवेटिव है इसके अंदर से अगर हम इस इधर से वाई को निकाल लेंगे तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स रह जाएगा, और यहाँ से अगर हम यहाँ से इस वाई को निकाल देंगे तो हमारे पास 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी टी, ये टी है हमारे पास, ये डी टी रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सिंगल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमें डबल डेरिवेटिव की भी वैल्यू चाहिए, थोड़ी सी ट्रिकी होगी, बड़े ध्यान से करनी है। वाई डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगेन डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये स्टेप हम अलग से करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो वाई डबल डैश होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दोबारा से यही आ जाएगा। उसके बाद हमने डी ओवर डी एक्स और हमें डी वाई ओवर डी एक्स की हमें वैल्यू पता है वो क्या है जो हमने ऊपर निकाली है, ये डी वाई ओवर डी, ये हमारे पास वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी टी, ये वैल्यू अब हमने इसके साथ पुट कर दी। अब हमारे पास देखने वाली बात है, पीछे भी हमने टी में जो था उसको सॉल्व किया था, हमने एक्स में इसके डेरिवेटिव नहीं लेना, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमें टी लेना, तो हम अगेन चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पे डी टी आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी टी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन टी में है तो हमने फिर डेरिवेटिव्स भी टी के फॉर्म में लेने हैं, क्योंकि ताकि हम वैल्यूज यूज़ कर सकें। यहाँ पर डी टी इंटू डी एक्स, ये डी टी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स दोबारा से ही बन जाएगा। अब हमने डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू भी निकाली थी, वो ये थी, सॉरी ये
dt ओवर डी एक्स 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा डी ओवर डी टी, ये वाली वैल्यू, इंटू 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी टी, ये हमारे पास बच गया। अब हमने ये वाला ऑपरेटर जो है अंदर इन वैल्यूज़ पे अप्लाई करना है। जब ये ऑपरेटर अंदर इन वैल्यूज़ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से बनेगी फॉर्म 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी टी। अब हमने ये ऑपरेटर अप्लाई करने के फर्स्ट वैसे ही इस पर जब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला वैसे ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, और इसके ऊपर जब हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी ओवर डी टी 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाली भी वैसी आ गई, ये वाली भी वैसी आ गई, प्लस आगे हमने फर्दर इसके ऊपर जो ऑपरेटर अप्लाई करना है, ये अब ऑपरेटर टी में है, एक्स ये एक्स में है हमारे पास, तो अगेन अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ये डी वाई ओवर डी टी ऐसे लिखना है आपने, बड़े ध्यान से करना है, ये जो वैसे आने वाली वैल्यूज़ हैं हमने वैसे ही लिख लेनी है जिस पे हमने अप्लाई करना है। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, जिस तरह हमने डी के लिए किया था। अब ये डी एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा तो डी ओवर डी टी हमारे पास दोबारा आ जाएगा ऊपर, इंटू 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कर लिया, अब हम ये वाला ऑपरेटर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला ऑपरेटर अंदर अप्लाई करें, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो अभी जो डी ऑपरेटर है इसका मैं आपको यहाँ पे डेरिवेटिव लेकर बता देती हूँ किस तरह लिया। कॉन्स्टेंट 2 बाहर डी ओवर डी एक्स जो अंदर वो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा। जब इस पर अप्लाई होगा तो पावर रूल लग जाएगा 2 डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1। अब इसमें होगा ये पावर पहले माइनस 1, पावर में से एक कम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, और पावर के बगैर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस 2x। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास इस चीज़ का आ जाएगा सॉल्यूशन, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने इसका डेरिवेटिव लिखा, जो कि हमारे पास आया 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बी स्क्वायर आएगा, सॉरी इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया था पावर में से जब एक काम किया था स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये यहाँ साइड पे लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी, वो जो हमने उस जो डेरिवेटिव था डी टी ओवर डी एक्स का इन्वर्स लिया था, वो ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो गई हमारे पास, वो हमने वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके नेक्स्ट स्टेप में 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और डी वाई ओवर डी टी बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। ये देखिए अंदर हमने जब मल्टीप्लाई करवाया यहाँ तक तो ये हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी गिवन इक्वेशन जो हमने शुरू में बनाई थी आपको दिखाती हूँ, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हम y डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को जो हम पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 2x इंटू सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सिंपल ये वाली दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास एक शॉर्ट सी टर्म इतनी सी बन जाएगी, ये आ जाएगी। इसके अंदर से भी हमने 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है, यानी 4 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टोटल को कॉमन ले लिया। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर बचेगा, और दूसरी तरफ जाके ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं था साथ, यहाँ पे सिर्फ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे 4 डिवाइड हो गई है, हमारे पास बन गया डिफरेंशियल। अब ये इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे वाई के सॉल्यूशन के लिए कि वाई ट्रिवियल आ रहे हैं नॉन ट्रिवियल। इसको डी ऑपरेटर में हम किस तरह से लिखते हैं, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0, ये इसका डी ऑपरेटर बनेगा। अगर यहाँ पे आ जाएगा साथ तो वाई आ जाएगा, आपको लिखना आता ही होगा, ऑरिजिन हम पढ़ चुके हैं। आप इसको सिंपल इससे वैल्यू निकलेंगी एच बाय 2। हमारे पास रियल वैल्यूज हैं, ये रियल रूट्स को हम किस तरह से लिखते हैं, रियल रूट्स को हम इस तरह से उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन लिख लेंगे हम ई की पावर्स में। अब हमारे पास जो टी है हमने शुरू में लेट किया था नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, वो हम यहाँ पे
पुट कर देंगे टी की जगह पे, यहाँ पे टी की जगह पे पुट करेंगे, ये नेचुरल होगी। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इसके हवाले से, y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एच बाई टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एच इंटू वन माइनस एच, प्लस बी है एच की पावर माइनस एच ई की पावर माइनस एच बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। अब ये नेचुरल लॉग से पहले वाली जो चीज़ होती है उसकी पावर में चली जाती है, ए इंटू ई जो है नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स इंटू एच बाई टू, प्लस सिमिलरली बी है बी ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, और इसकी नेचुरल लॉग वाले एच बाई टू इसकी पावर में चला जाएगा, ये ई इस नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स एच बाई टू, प्लस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी नेचुरल लॉग नहीं आएगा, नेचुरल लॉग ई से कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स माइनस एच बाई टू। अब ये माइनस एच बाई टू है, इसको जब हम इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास प्लस एच बाई टू हो जाएगा, और हमारे पास जो टर्म आएगी वो ये होगी। जल्दी से इसके ऊपर हम देख लेते हैं लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है, वाई इंटू प्लस माइनस वन इंटू फाइनाइट, हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने प्लस वन जो है वो अप्लाई करनी है, थोड़ा सा मैंने वाइटनर किया है, होप सो आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने सी वन सी टू लिखा हुआ है, आप लोग शुरू में भी यहाँ पे बी आ जाएगा, ए बी यहाँ पे भी ए बी था, तो यहाँ पे भी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम वाई की जो है प्लस वन वाली लिमिट जो है इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जब बाउंड्री कंडीशन वाई इंटू प्लस वन हम अप्लाई करेंगे, हमारे जो सोल्यूशन लिखा है उसके ऊपर वन प्लस वन इंटू वन माइनस वन इंटू एच बाई टू आ जाएगा, और प्लस बी इंटू वन माइनस वन और वन प्लस वन इंटू एच बाई टू विच इज़ शुड बी फाइनाइट लेकिन ये यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम इन्फिनिटी के साथ पड़े कोफिशेंट को ज़ीरो कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा है वो चीज़ ही हम ख़त्म कर देंगे ताकि हमारा सोल्यूशन फाइनाइट हो जाए। यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो आ गया, एज इट इज़ सेम हमने माइनस वन के लिए भी यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे सी वन सी टू बाई मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पे ए भी ही आएगा जो हमने शुरू में यूज़ किए हैं वही आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ये बी आ गया। माइनस वन के लिए जब हम जो हमारे पास ये फंक्शन बना है इसके अंदर हम माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी सोल्यूशन फाइनाइट आना चाहिए, इस यहाँ पे इस वजह से इस वैल्यू की वजह से हमारा इनफाइनाइट हो रहा था सोल्यूशन, तो उसके साथ पड़े कोएफिशिएंट को हम ज़ीरो कर देंगे, ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो वाई हमारे पास जो है ज़ीरो आ गया। ट्रिवियल सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है तो हमारे पास सिंपल ग्रीन्स फंक्शन होगा, सिंपल ग्रीन्स फंक्शन का नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कि जी ऑफ एक्स टी मस्ट सेटिस्फाई एल ऑफ जी, एल ऑफ जी क्या होता है हमारे पास लैम्डा से अलग जो वैल्यू हमारे पास बच रही होती है वो होता है जी ऑफ एक्स, लैम्डा के अलावा हमारे पास इतना फंक्शन था, हमने उसके अंदर वाई की जगह पे जी लगाया, उसके बाद हमने जब इसको वाई की तरह सेम टू सेम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वाला फंक्शन बनेगा जो हमारे पास वाई के लिए बना है सेम टू सेम जी के लिए बनेगा, उसको हम पीस वाइज फंक्शंस में लिख देंगे, ए सिंपल ए में और फिर ए प्राइम में लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप थ्री में बाउंड्री कंडीशंस हम लोग करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास वाई के लिए थी प्लस माइनस वन, जी के लिए भी प्लस माइनस वन आर फाइनाइट, सेम जो पहला फंक्शन है प्लस वन के लिए जिसमें प्लस वन इंक्लूड था, ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स में ये वाला जो फंक्शन था इसके लिए माइनस वन था तो हम इसमें माइनस वन पुट करेंगे, और यहाँ पे प्लस वन था तो इस वाले में हम प्लस वन पुट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से ये दोनों चीज़ें बन जाएगी, यहाँ से इस ये इन्फिनिटी कर रहा था तो बी ज़ीरो, यहाँ से इसकी वजह से इन्फिनिटी हो रहा था तो ए डैश ज़ीरो, ए डैश भी ज़ीरो, बी डैश ज़ीरो, पीछे जो हमारे पास जी का फंक्शन निकला हम उसमें वैल्यूज़ लगाएंगे ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टेप फोर, स्टेप फोर में हम क्या करते हैं कॉन्टीन्यूस चेक करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट वैल्यू उस पर एक्स अप्रोचेस टू टी लिमिट अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे सेकेंड वाली वैल्यू पर, दोनों को इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की हुई है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पर टी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ से हम बी डैश की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि बी की वैल्यूज मोस्टली जो होती है हमारे पास सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करती है, ये वाला इधर मल्टीपल हो रहा उधर जाके डिवाइड करवाएंगे, जब ये वैल्यू डिवाइड होगी तो उलट जाएगी,
तो ये वैल्यू जो है जब यहाँ पे आई है तो ये उलट गई है, प्लस वाला हिस्सा ऊपर आ गया, माइनस वाला नीचे आ गया। उसके बाद जब इन दोनों वैल्यूज़ को ये बिल्कुल सेम हो गई हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दोनों की पावर्स को जब ऐड करेंगे तो पावर में एच आ जाएगा, तो बी डैश हमारे पास इसका निकलेगा सोल्यूशन। और अब हमने ये जो थ्री वाले पार्ट में जो हमने जी का फंक्शन निकाला है उसमें हम बी डैश की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, बी डैश की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे एच वाली वैल्यू पुट कर दी। दूसरी आगे लास्ट जो हमारे पास है सॉल्यूशन का हिस्सा डिसकॉन्टीन्यूटी का, उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो पिछले स्टेप में जो जी बना होता है, ये वाला जो हमारा जी बना हुआ है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास जो टी होता है वो कांस्टेंट ट्रीट होता है। सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर है तो पावर रूल लगेगा, तो पावर पहले पावर में से कम, पावर के बगैर इसके ऊपर, पावर के बगैर इसके ऊपर कांस्टेंट रूल अप्लाई होगा तो उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। सिंपली ये यहाँ पे टी कांस्टेंट ट्रीट होगा, इस वैल्यू के ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव। में जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू पर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस नीचे वाली वैल्यू पर लिमिट अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वन ओवर पी ऑफ टी आ रहा था। तो पी ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन फंक्शन में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पी ऑफ टी वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पर नहीं थी कि अगर आप यहाँ पर भी कर लें तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन की। यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे नीचे आके मैंने कटिंग वगैरह किया, सारी कटिंग वगैरह करके हमारे पास सिंप्लीफाई हो के आएगी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू बनेगी। उसके बाद हमने इनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये वन माइनस टी स्क्वायर है इसके ऊपर, और ये वन माइनस टी जो है एच बाई टू माइनस वन है, तो दोनों की तो बेस सेम है तो हम इन दोनों के पावर्स को डिवीजन में ऐड करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी वन प्लस टी की पावर एच है, और यहाँ पे वन प्लस टी नीचे पड़ा हुआ है, इसकी पावर है एच बाई टू माइनस वन। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस एच बाई टू प्लस वन, यानी ऊपर जाके साइन चेंज हो जाते हैं पावर्स के, तो ऊपर ले जाके हम इसको इसकी इस पावर में ऐड करवा देंगे, और वन माइनस टी को हम नीचे ला के इसकी पावर में ऐड करवा देंगे, यानी जो वैल्यूज़ की बेस सेम है लेकिन वो ऊपर नीचे पड़ी हैं, तो हम उनको एडजस्ट करके उनकी पावर्स को ऐड करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जो सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि 1 माइनस टी की पावर्स को ऐड करेंगे तो वहाँ पे इसकी पावर एच बाई टू प्लस वन हो जाएगी। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस स्टेप के अंदर की है, ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग ध्यान से करेंगे ईजीली आपसे हो जाएगी। उसके बाद 1 प्लस टी की पावर एच है, ये नीचे पड़ा हुआ है पॉजिटिव में, इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि पिछले स्टेप में ना हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज थी, ये देखिए ये तो इन सब को आपस में मर्ज करना था, तो सबसे पहले इन्होंने इन दो वैल्यूज को मर्ज किया है, एच बाई टू माइनस वन था, इसकी पावर प्लस टू थी, तो इन दोनों नीचे पड़ी हुई हैं, तो जब दोनों की पावर्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो माइनस वन प्लस टू होगा तो वो प्लस वन बन जाएगा, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे प्लस वन बना। उसके बाद हम इन दोनों को मर्ज करेंगे आपस में, इसकी पावर एच है और ये नीचे पड़ा हुआ है, इसकी पावर एच बाई टू प्लस वन है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस एच बाई टू माइनस वन हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद ये यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है, जब ये नीचे जाएगा तो इसके भी माइनस साथ आ जाएगा और इधर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इनकी भी पावर्स की आपस में सिंप्लीफिकेशन की, वन ओवर टी स्क्वायर वैसे ही रहेगा साथ, यहाँ पर हमने एच लिया, ये सारी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सिंपली की हुई है, इसकी भी सिंप्लीफिकेशन की। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो गई हैं, तो ये टू एच इंटू सारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी वन ओवर टी स्क्वायर। उसके बाद हमें जो लास्ट कांस्टेंट, लास्ट स्टेप में हमारे पास ए के कांस्टेंट बचता है, यहाँ पे हमारे पास बचा है ए, हमने ए की वैल्यू निकाली है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। जब इसके साथ डिवाइड हो जाएगी तो ज़ाहिर है इन्वर्स हो जाती है वैल्यू, तो ये वैल्यू इधर आके इन्वर्स होगी जब, तो ये वन माइनस टी की पावर एच पर टू प्लस वन ऊपर आ जाएगा, और ये वैल्यू ऊपर वाली सारी वैल्यू इस तरह नीचे आ जाएगी इंटू वन ओवर। अब वन माइनस टी स्क्वायर को हम वन प्लस टी और वन माइनस टी में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है उससे। जब हम इस तरह लिख लेंगे तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जहाँ जहाँ पे बेस सेम आपको नज़र आनी है ना, आपने वैल्यूज को मर्ज कर देना है उनकी पावर्स के साथ। वन प्लस टी है, वन प्लस टी, इन दोनों को मर्ज किया तो इसकी पावर प्लस वन है और यहाँ पे माइनस वन है, तो जब इन दोनों की बेस पावर्स को ऐड करेंगे तो वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एच बाई टू बचेगा, यहाँ पे एच बाई टू प्लस वन है, नीचे पड़ा इसकी भी वैल्यू प्लस वन है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो जब नेगेटिव वन यहाँ पे आएगा तो इसकी भी कैंसिल हो गई एच बाई टू बचेगी।
तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू निकल आएगी। अब हमने सिंपली क्या करना है, स्टेप फोर के अंदर जो हमारे पास ये वाला जी निकला था, ये वाला जो हमारे पास जी निकला था स्टेप फोर के अंदर, इसके अंदर हमने जो है ना वो वैल्यूज लगा देनी है एक। इसकी जगह पे जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ पे हमने ए की वैल्यू लगा देनी है। देखिए ये हमारे पास है ए, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, इसी तरह हम साथ लिख देंगे हम। और यहाँ पे जो ए था, ए की जगह पे हमारी जो वैल्यू लिखनी थी वो ये वाली थी, ये वाली वैल्यू लिखते हैं एज इट इज़। वन प्लस टी और वन माइनस, ये दोनों टर्म्स ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसके साथ जो हमारे पास ए की वैल्यू लिखनी थी वो वन ओवर टू एज इंटू वन माइनस टी, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मज़ीद इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी, मतलब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। वन ओवर टू एज को हम बाहर ले आएंगे, ये वाली वैल्यू वैसे इधर, ये वाली वैल्यू वैसे इधर। और इसी तरह टी में ये वाली वैल्यू तो ऐसे रहेगी, लेकिन टी में अब फिर से बेसिस सेम हो रही हैं, ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम इसको उठा कर जब ऊपर लेके आएंगे तो एच माइनस एच बाई टू बन जाएगा हमारे पास। एच माइनस एच बाई टू है तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा एच, तो दोबारा से सॉरी इक्वल टू आ जाएगा एच बाई टू, दोबारा से हाफ हो जाएगा हमारे पास, तो ये एच बाई टू पावर आ जाएगी। और उसके बाद ये माइनस वाली वैल्यू है, और सॉरी ये भी प्लस एच की वैल्यू है और ये प्लस एच बाई टू की वैल्यू है, इसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास पावर एच बाई टू आएगी। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी है, आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है, और इंशाल्लाह दो मज़ीद एग्जांपल्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सिंपल ग्रीन्स फंक्शन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको करवाऊँगी मॉडिफाइड। तो अगर किसी को कुछ स्टेप की अच्छे से समझ नहीं आई तो वो मेरे पहले वाले लेक्चर ज़रूर देख ले, खासतौर पर लेक्चर जो पहले एक दो मैंने बनाए हैं, उसके अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में बताया है कि ग्रीन्स सिंपल ग्रीन्स फंक्शन के स्टेप्स किस तरह से हम आगे लेके चलते हैं, और किस तरह से हम सिंपल ग्रीन्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं, और किस तरह से स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो अगर किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी वो वीडियोस देखें। और मेरी इस वीडियो अगर आपको समझ आई है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैथमेटिक्स की, हायर मैथमेटिक्स की और इस MMP से रिलेटेड जितनी मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।